All right, guys, welcome to the top 5 Godi Media of this week. Subscribe the channel and share the video. It's a fight against Godi Media. तो करना। मैंने All right इसलिए बोला क्योंकि हमारा प्रिय तिहाड़ी All right हो गया है। जब मतलब कोविड हुआ था तो भाई की हालत ऐसी थी। Are you bhano? Yeah, we are happy for his good health and look in the picture. मतलब सच बोलो तो दिल से निकला कि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। 100 करोड़ की उगाही करते कैमरे पर पकड़े गए थे। So that was Godi number 5. We are happy that he is back. राक्षस हो गए हैं राक्षस। And one more time we want to say the same thing. इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। दुनिया में कोरोना किसी को भी ना हो और सब स्वस्थ रहे, यही हमारी कामना है। आइए गोदी नंबर 4 पे चलते हैं। दलाल, जैसे कि आप जानते हो चिचा की गवर्नमेंट ने 7 साल पूरे किए हैं। देश संकट में है। एक टाइम था जब 10.3% थी, हम लोग बहुत अच्छे से जा रहे थे। अब इस बात को कैसे कवर अप करें, इतना बड़ा गूफ अप हो गया, फिर भी गोदी मीडिया की हिम्मत देखो। प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? ये सवाल था। बहुत संतुष्ट 37% लोगों ने कहा। एक पोल चलाया गया। कम संतुष्ट 25% लोगों ने कहा। असंतुष्ट 36% है, कह नहीं सकते 2%। कि कितने लोग असहमत हैं, असहमत है, उसमें कहीं बीच का रास्ता निकाल के मोदी जी को जितवा ही दिया इन लोगों ने। मतलब बहुत और कम संतुष्ट मिलाकर 62% लोग संतुष्ट है मोदी सरकार के कामकाज। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अभी पूरा एनालिसिस करने के बाद मैडम कितनी गहराई से अपने काम की बात आपको समझा देगी। अब इसके मायने थोड़ा गहराई से समझने होंगे और वो ये कि दोनों को मिलाकर सम्मानजनक आंकड़ा आ रहा है। मुझे भी सरप्राइज है। एंड वन मोर गूफ अप ऑफ गोदी मीडिया, नॉट मेहुल चोकसी, राहुल चोकसी। आपको जानकारी दे दें कि डोमिनिका की जेल में अभी मेहुल चोकसी बंद है। मजा आया। And last week in Godi Media, I showed you this clip when they all are like drowning and all the shit. हमने देखते बच्ची, सिविल डिफेंस का चरा कौन नहीं? हम्बा हम्बा रंबा रंबा तंबा कंबा, दुंबा दुंबा बुंबा बुंबा, बम्बा बम्बा. Now check out this. I mean record break. On that, आमियो नामी पुलिस वासल कोरा से है प्रोग्राम कि मोदी है तो मुमकिन है. कौन नहीं? जान गंवानी पड़ेगी थी। आई मीन सीरियसली दिस इज न्यूज गोइंग ऑन। ऐसी तरह गोदी मीडिया देश को खाए जा रहा है, ये न्यूज चल रही है जो बताओ। एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट सम गुड जर्नलिज्म। यस अगेन स्वाति फ्रॉम लल्लन टॉप, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट एंड शोइंग यू द रियलिटी। यहाँ पे बैठे रहते जैसे ऑक्सीजन निकालता है, थोड़े दूर जाता है तो परसेंट गिरने लगता है। मजबूरी में यहाँ पे उसका लोड ले करके परसेंट खुद फेंकता है। जहाँ पर ये है, ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यह कोविड केयर की हालत ये चल रही है। व्यवस्था तो होना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल है तो मरीज के कम से कम अंदर में तो एक बाथरूम लेटरिन होना चाहिए। उसको दीजिए जैसे कि उतार के कम से कम 5 कदम चल के ऊपर लेगा। आप बोलिए वहाँ उधर की जो है सब पूरा गंदगी मचा हुआ, कहीं बाथरूम नहीं है, कहीं पानी है। And listen to this debate carefully and check out the anchor's reaction. He is not saying anything. Such a dumb anchor. उसके बेसिस पे 3 करोड़ 10 लाख वैक्सीन बनेगी December 31st तक, उसमें से 2 करोड़ 16 लाख हमारे देश में खपत हो जाएगा। उस 2 करोड़ 16 लाख से पूरे देश की जो है जनता जो है बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगी। 2 करोड़ 16 लाख वैक्सीन से पूरी कंट्री को वैक्सीनेट करने की बात हो रही है। हमको कुछ नहीं पता और एंकर को पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो जरा उपयोग करो। ऐसे तो ढुले आंकड़े की कीजिए। 200 करोड़ होते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाबा रामदेव। गोदी मीडिया इज ट्राइंग द बेस्ट टू डिफेंड दिस गाय। BND मतलब आप देखो क्या सपोर्ट मिल रहा है बाबा रामदेव को। पैसे की दुनिया है, पता नहीं कितने चैनल्स पे लाइव आ रहा है। 4 हाँ इतने, उनका बात भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। इतने चैनल्स पे लाइव आ रहे हैं बाबा रामदेव अपने आप को डिफेंड करने के लिए। मतलब बताओ हो क्या रहा है। ये बात बोलने के बाद, मतलब सरकार को चैलेंज करने के बाद, खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उन, 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 उनका उनका बात भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। एंड चेक आउट व्हाट BND इज कॉलिंग हिम। ही इज कॉलिंग हिम अभिमन्यु। क्या आपको लगता है कि क्योंकि एक चक्रव्यूह हमें याद है महाभारत में हुआ था,
महाभारत में रचा गया था अभिमन्यु के खिलाफ, और अभिमन्यु उससे बाहर नहीं आ पाए थे। क्या बाबा रामदेव को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया जा रहा है? बाबा जी को चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है, मतलब आप समझ रहे हो कितनी बड़ी उपाधि दी जा रही है? अगर ये अभिमन्यु है तो तू शिखंडी है, बीएनडी। थोड़ी मर्यादा रखिए। और आप तो बाबा जी बिजनेस पे आके सीधे सीधे बता रहे हैं कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी हो गई है, ये ब्रांड को मैंने बीट कर दिया है, अब मैं यहाँ जाने वाला हूँ। मार्केट शेयर हम 25% डाइल्यूट करेंगे वक्त के साथ, उसको स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में उसको शेयर करता रहूं। टोटल बिजनेस हो रहा है। और ये प्रोडक्ट्स के नाम इसलिए याद नहीं कि मैंने कोई याद किए, ये सारे प्रोडक्ट आप जो यहाँ देख रहे हैं ये तो थोड़े से हैं अभी। बाबा अपना माल बेचता है। एंड फाइनली द मैन हु हैड कोरोनिल, यस मिस्टर अतुल अग्रवाल। 8 महीना मैंने पूरा कोरोनिल खाया, मेरे घर में अभी 4-5 डब्बा पड़ा हुआ कोरोनिल किट, फिर मुझे कोरोना कैसे हो गया? नेशन ऑलरेडी नोस। पर लेकिन बाबा ये स्वीकार करे कि वो उपकार नहीं करता है, धंधा करता है। ये बात जो कही गई है बाबा जी के बारे में, ये उनकी आवाज में बड़ी सही जा रही है, सुनिए। आचार्य बालकृष्ण, ये दोनों भारत के संत समाज की नुमाइंदगी नहीं करते, ये दोनों धंधेबाज हैं, और व्यापार करने में कोई बुराई नहीं है। बाबा अपना माल बेचता है तो क्या बुरा है? बाबा धंधा करता है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के केंद्रीय मंत्री बाबा के साथ चिपक के एक ऐसी दवा का प्रचार करते हैं कोरोनिल, जिसको WHO से मानता नहीं, जिसको ICMR से मानता नहीं, जिसको डॉक्टरों के समूह IMS से मानता नहीं, वो अपने आप को कोरोना की दवाई के तौर पे चिपका देता है, 1,200 करोड़ रुपया अंदर कर लेता है। ओके, लास्ट वीक्स टॉक्सिक डिबेट्स विद मिस्टर सम्बित पात्रा, लेट्स डिग इट मोर। कितने स्टेट्स हैं भारत में? नाउ वी हैव टू गो फॉरवर्ड विद द स्टोरी। अरे लेट्स गो वन बाय वन। कितने स्टेट्स हैं भारत में? हाँ 30 स्टेट हैं। मैं ये सब जीके खेलने यहाँ नहीं आया हूँ, बताइए। ये आप देख चुके हो, लेकिन इसमें गोदी मीडिया का क्या रोल था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना। हाँ 30 स्टेट हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इसलिए थोड़ा आगे बढ़ाते, मैंने आपको कहा भी था, तो जैसे ही मिस्टर सम्बित पात्रा के मुंह से 30 स्टेट्स निकला, चेक आउट इस एक्सप्रेशन। कितने स्टेट्स हैं भारत में? हाँ 30 स्टेट हैं। मैं ये सब जीके खेलने यहाँ नहीं आया हूँ, बताइए। नहीं आप बताइए ना, 30 स्टेट्स हैं, 30 स्टेट्स। ये फंस गया, मतलब एंकर को लगा अरे यार क्या बोल दिया, अब कैसे बचाऊंगा इनको, और उसके बाद बात को रफा दफा किया गया। देखो देखो देखो, मेरा चले ठीक है ओके। अच्छा समय तुम्हें, एक सेकंड। See, this is the biasness of the media. I mean, Kamoni is the spokesperson of the ruling party, and he did not know how many states are there. हाँ 30 स्टेट हैं। बात मजाक के पर विषय गंभीर है। देश संकट में है। And one more debate with Mr. Sambit Patra. How it started? मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। We have to find out the root cause of the problem. सबने सुना ये कहा गया। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, मैंने आज तक किसी के वीडियो में बुरा कमेंट नहीं किया है भाई, ठीक है। पर इसके पहले अगर अंजना ओम कश्यप जी इंटरप्ट कर देती तो ये बात यहाँ तक पहुँची नहीं थी। इसके पहले मुझे सम्बित पात्रा ने क्या कहा था? टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। शी शुड इंटरप्ट हिम। इस बात को इतनी हीट पे आने ही नहीं देते, पर गोदी मीडिया का काम ही ऐसे चलता है। दलाल, उन्होंने अनपढ़ बोला तो उन्होंने ये बोल दिया। मतलब चाहे तो न्यूज चैनल वाले उसको वहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि TRP तो इसी गाली गलौज से आएगी ना, न्यूज तो दिखाते नहीं है। क्या बोल रहे हो? So that was the goalie number 2. We were doing the analysis of these two toxic debates. But guess what? At goalie number 1. What? यहाँ पर भी debate ही है, और ये भी उतनी toxic और गाली गलौज से भरपूर है। मिस्टर गौरव भाटिया, तुम्हारे नेता बदतमीज है, राहुल गांधी बदतमीज है, पप्पू है वो पप्पू। Again, this nasty fight was going on, but Godi Media did not interrupt because TRP will come through this. तो
मतलब ये बच्चे ऐसे लड़ते हैं, तेरे मुंह में दांत नहीं है बोबड़े बोबड़ी, क्या है ये, क्या हो रहा है? इतने थप्पड़ पड़े राहुल गांधी को, मुंह फूल गया, चाहे प्रवन फैला पैसा मुझे दे दो अभी ते अभी। और फिर सेम कांग्रेस स्पोक्स पर्सन विद मिस्टर संबित पात्रा। और संबित पात्रा जी माफ कीजिएगा, लेकिन आप साउथ अवेन्यू में रह रहे हैं, आप एंटाइटल्ड हैं क्या? साउथ अवेन्यू के मकान में रहने के लिए आप एंटाइटल्ड हैं क्या? आई मीन ही इज अ चैंपियन ऑफ डिबेट विद द सपोर्टर ऑफ गोदी रिपोर्टर। लोकसभा सांसद आपके 10 लोग की जगह एंटाइटल्ड हैं, इस पर आप क्या ही बोले, ये हालत है देश के जर्नलिज्म की, फिर से देख लो ये सोशल डिस्टेंसिंग एंड यस बिफोर आई गो आई वॉन्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरीज। बाबा रामदेव ने क्या भयंकर बिजनेस जमाया, मान गए उनको, और बहुत दिनों से बागड़ बिल्ला भी नहीं आया हमारी लिस्ट में। कहाँ छुपा हुआ है? तो याद है वो पुराना क्या वो बाबा जी इधर तो आओ। हाँ, आप करिए कर, नहीं, नहीं, नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं इधर बैठता हूँ इधर। अमेजिंग बहुत अच्छा स्वामी जी क्या ये मैं नहीं करूँगा तो इसको दबाओ अरे आप में ताकत तो है ताकत तो अच्छी है भाई। एक्चुअली सफरिंग विद द शॉर्टेज ऑफ द वैक्सीन्स। अभी 45 पार वालों की तो कतार भी दिख रही है, लेकिन 18 पार वालों के लिए तो सरकारों ने नो वैक्सीन का बोर्ड लगा दिया है। And look what happened here. अभी जो लोगों ने कोविशील्ड का फर्स्ट डोज ले लिया वो सब वेट कर रहे हैं कि भाई 84 डेज हो गए तब जाएंगे, यहाँ पे कुछ नया ही हो गया है। उन्हें पहली डोज में कोविशील्ड दी गई, जबकि दूसरी डोज देने के लिए लोग पहुंचे तो उन्हें कोवैक्सीन की डोज लगा दी गई। आर यू कॉमेडिंग मी? इट्स अ फकिंग कॉकटेल हियर। फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड एंड सेकंड डोज ऑफ कोवैक्सीन। एक को नहीं कई सारों को लगाई है। सिद्धार्थ नगर की एक खबर है जहां पर 20 लोगों को अलग अलग टीकों के दोनों डोज देने का मामला सामने आया। पर क्या हो रहा है मोदी जी, दूसरी वैक्सीन उसके जगह पर कोविशील्ड के जगह पर कोवैक्सीन लगा दिया। एंड स्टिल आवर हेल्थ मिनिस्टर इज डूइंग दिस। ए सफेद कपड़ा ओ। So this is how things are going on, but right now the truth is, the reality is that we are facing the shortage of vaccines. And this is actually dangerous for the entire country. दूसरे देश खुद दुनिया की population से ज्यादा vaccine store करके बैठे, because the variant and mutant will appear of this virus. अभी लोग कह रहे हैं कि 49 करोड़ vaccines ही हमने order किए। आपके पास जब काम करने का मौका था आपने काम नहीं किया, लगातार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां कहती रहीं कि आप हमें पैसा दी मुहैया करवाइए, हम अपनी प्रोडक्शन बनाना चाहते हैं, आपने नहीं किया, आप सेलिब्रेशन के मोड में आ गए कि ये तो खत्म हो गया। हमें वैक्सीन्स ब्लॉक करनी चाहिए थी पिछले साल। लिसन टू हिम। जब मई 2020 में दुनिया के सारे देश वैक्सीन ब्लॉक कर रहे थे तब हम ताली और थाली बजा रहे थे। हमने वैक्सीन के ऑर्डर कब दिए चित्रा जी? जनवरी 2021 में। अमेरिका, ब्राजील, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सबने दिए मई और जून 2020 में। तो आपने राइट टाइम छोड़ दिया। नाउ इफ यू गो टू गोदी चैनल्स, दे आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविटी एंड दे आर हैविंग अ बाबा इशू एंड ऑल दीज थिंग्स। वी डोंट वांट दैट, वी वांट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। पॉजिटिविटी फैला रहे ना गोदी चैनल्स की, पॉजिटिव रहो ऐसा क्यों सोच जा रहे, तो वैक्सीन ऑर्डर कर देते ना। आप कहते हो छत्तीसगढ़ अलग करे, पंजाब अलग करे, गुजरात अलग करे, अरे दुनिया का हर देश बल्क डिस्काउंट लेने के लिए सेंट्रलाइज्ड ऑर्डरिंग करता है। और आज जब प्रांतीय सरकारें ऑर्डर देने जाती है तो फाइजर कहती है हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करते हैं, पर फाइजर मैं आपसे हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ नहीं।